नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको मुजफ्फरपुर की हर खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। नए कानून के विरोध में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने बंद के दौरान शहर में निकाला मार्च। नए कानून के विरोध में बंद के दौरान बंद समर्थक और दुकानदार में हुई झड़प। बंद समर्थकों ने दुकान में किया पथराव। कुढ़नी थाना क्षेत्र के कमतौल ग्रामीण विकास बैंक में दिन दहाड़े अपराधियों ने 13 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। और जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक ने जल जीवन हरियाली को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। नए कानून के विरोध में विभिन्न संगठनों के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च निकाला, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ बुधवार को इंसाफ मंच, वाम दल, भीम आर्मी तथा जाप के बैनर तले शहर में मार्च निकाला गया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होता हुआ यह मार्च समरणालय पहुंचा। इंसाफ मंच के सदस्यों ने हजारों की संख्या में जेल चौक से केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। मार्च शहर के प्रमुख जगहों से होकर गुजरी। इस दौरान इंसाफ मंच के सदस्यों ने कुछ खुली दुकानों को बंद करने का आग्रह भी किया। बंदी का असर पूरे शहर में देखा जा रहा था। शहर के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रही। मार्च के दौरान मंच के सदस्यों ने कैब और NRC वापस लेने का नारा लगाया। मंच के सदस्यों ने कहा कि मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन कानून और NRC को हर हाल में वापस लेना होगा। हम कोई कीमत में संविधान को बदलने नहीं देंगे। कारण यह है कि सरकार की गलत नीति और काला कानून के एवज में सारे हिंदुस्तानियों के जो आपस की सद्भावना है और ये आपसी सद्भावना को सरकार विखंडित करनी चाहती है, जिसके एवज में सारे जितना एकतावादी है, जितना अपने पब्लिक है, पूरे हिंदुस्तानी एक है, पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह की लहर है। ये नीतीश और ये BJP की जो सरकार है, ये काली सरकार है, सारे पब्लिक को, सारे लोगों को आपसी आपस में बांटना चाह रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग आज शांति मार्च निकाले हैं। और ये सरकार की काला नीति नहीं चले। अमित शाह की बाप की देश नहीं है, न मोदी नरेंद्र मोदी की देश है, ये देश सब आम भारतीयों की देश है, हिंदुस्तानियों की देश है। और अपनी मीडिया हजार से भी गुजारिश है कि हमारे ये सारे के सारे जितनी तादाद है, जितने विरोध है, आप लोग भी बढ़ चढ़ के भाग ले, आपसी एकता और सद्भाव को बनाए। वही नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में वाम दल द्वारा बंदी का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा था। शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रही। वाम दल के सदस्यों ने बंद के दौरान पूरे शहर में मार्च निकाला। मार्च शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस दौरान वाम दल के सदस्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में वाम दलों की आह्वान पर NRC के खिलाफ, सांप्रदायिकता के आधार पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ संपूर्ण भारत में प्रतिवाद हो रहा है। पूरे बिहार आज स्वतः स्फूर्त बंद है, संपूर्ण बंद है। इससे दिखाई पड़ रहा है कि मोदी सरकार ने जो जन विरोधी कानून लाया, संविधान विरोधी कानून लाई है, सांप्रदायिकता के आधार पर जो कानून लाई है, आज संपूर्ण बिहार खारिज कर दिया, संपूर्ण देश खारिज कर दिया। आज पूरे मुजफ्फरपुर शहर में चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, तमाम दुकानदार भाई से लेकर के रिक्शा ठेला चलाने वाले से लेकर के छात्र नौजवानों से लेकर के विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में रोड पर उतरी हुई है। नैतिकता के आधार पर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। वाम दल द्वारा बंद के आह्वान का समर्थन भीम आर्मी के सदस्यों ने भी किया। भीम आर्मी के सदस्यों शहर में कैब तथा NRC का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैब और NRC के खिलाफ वाम दल द्वारा बंदी का समर्थन जन अधिकार पार्टी ने भी किया। इस दौरान जाप के सदस्यों ने सुबह में सारातपुरा के पास NH को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। यही नहीं, जाप के कार्यकर्ताओं ने मेमो ट्रेन को भी रोक दिया। इस दौरान जाप के सदस्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार
मार्च हुआ है इसके खिलाफ बिहार हाई कोर्ट पे न कि मुस्लिम बल्कि हिंदू विरोध पे, क्योंकि ये संविधान से खिलवाड़ किया गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर उनके संविधान के साथ खिलवाड़, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं चला गया, कल के दिन संविधान चेंज हो जाएगा। क्या मोदी जी की मोदी जी का हिज्जत नहीं चलेगा? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, ये बिहार नहीं पूरे इंडिया में सब भाई हैं, हिंदू भी भाई है, मुस्लिम भी भाई है, सिख भी भाई है, ईसाई भी भाई है, हम आपस में भाई हैं, बटने कभी नहीं देंगे। याद रखिए मोदी जी या अमित शाह, हम सब भाई हैं, संविधान के नए कानून के विरोध में बंद के दौरान बंद समर्थकों और दुकानदार के बीच झड़प हुई। बंद समर्थकों ने दुकान में पथराव किया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ वाम दलों के बिहार बंद के दौरान शहर में विभिन्न दलों द्वारा मार्च निकाला गया। इस दौरान सरेगंज टावर चौक पर बंद समर्थकों ने खुली दुकान को देखकर भड़क गए और जबरन दुकान बंद कराने लगे। इस दरमियान दुकानदार और बंद समर्थकों में झड़प शुरू हो गई और बंद समर्थकों ने खुली दुकान पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानदार ने बताया कि बंद समर्थक जबरन दुकान बंद करवा रहे थे, रोके जाने पर पथराव शुरू कर दिया। हम लोग दुकान खोले हुए थे पिछला सत्र, दो ग्राहक आ गया अपने घर का, तो हम लोग पीछे की जो ऐसा बंद था छोटा वाला उखड़ा हुआ था, ईंटा पत्थर मारना चालू किया और दुकान में चढ़ करके खींचा है, तो हम भी जो है उस लोग को दुकान से बाहर धकेले हैं। बस हाँ, पथराव भी किया है, ईंटा पत्थर भी किया है, बाद में कोई साथ नहीं दिया है। झड़प की सूचना पर शांति समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों को शांत कराया। शांति समिति के सदस्य ने कहा कि भीड़ में युवा सब है तो कुछ हो जाता है। देखिए इसमें चूंकि आज का जो वाम मोर्चा का बंदी है और इंसाफ मंच के द्वारा जो है जुलूस का आयोजन किया गया, ऐसे हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जिस दिन बंदी होनी थी उस दिन जो है जुलूस का आयोजन नहीं होना था, लेकिन हम लोगों को जानकारी मिली कि इंसाफ मंच का जो है जो जुलूस का कार्यक्रम था वो पहले से था और वाम मोर्चा का जो है उसकी घोषणा जो है बंदी का जो है बाद में हुई, तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ों को एक साथ करना कहीं से भी मुनासिब नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान इसमें होते हैं और नौजवानों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। कल हम लोगों का जो संविधान बचाओ तहरीक के तहत जो हम लोगों का खामोश जुलूस था, उस जुलूस को हम लोगों को 10-20 साथियों को कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज का जो जुलूस है वो खामोश नहीं है, उसमें नारेबाजी हो रही है। ऐसी स्थिति में जो भीड़ इतना ज़्यादा था, इसी में एक अमरूद वाले को जो ठेला को धक्का लग गया, धक्का लगने से जो है सो उनका कुछ नुकसान वगैरह हो गया जिसकी भरपाई मेरे द्वारा कर दी गई। वहीं झड़प की सूचना पर एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरी तरह से लोगों को शांत कराया। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं नगर डीएसपी ने कहा कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। दुकान पे हमला हुआ है, शांति समिति के सदस्यों ने भीड़ को वहाँ से हटाया है। जी बिल्कुल, देखिए एक बात जान लीजिए कि कहीं पर भी किसी भीड़ में एक दो तत्व ऐसे रहते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कार्य को सफल तरीके से संपन्न कराया जा सके, तो उसकी पहचान की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे शांति समिति के सदस्य लोग, जितने भी सामाजिक लोग हैं, सब लोग एक्टिव हैं और हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर में के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं करने देगा। पूरे पुलिस तंत्र चौकसी बरत रही है, सभी जगह पर पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जहाँ कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिलेगी हम लोग जाएंगे और कड़े तरीके से। यहाँ तोड़फोड़ की सूचना आ रही है? अभी हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं, किसी तरह के बाधा अभी नहीं देखने को मिल रही है, शिकायत मिलेगा उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। CAA और NRC के समर्थन में विभिन्न दलों द्वारा शहर में आभार यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के समर्थन के विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से आभार यात्रा निकाली। आभार यात्रा शहर के टावर चौक होते हुए कल्याणी चौक पहुंची। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने मोदी सरकार को CAA और NRC लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। संगठनों के सदस्यों ने कहा कि आज तक भारत की कोई सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोचा, यह पहली सरकार है जो इन अल्पसंख्यकों के बारे में सोच रही है, इसलिए हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज ये हम सभी
निकाला गया, हमारा भी इशू निकाला गया है। तो ये अभी देश में जो अभी लागू हुआ है कैब और सीसी एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिया है, हम सभी ने उसके सपोर्ट में हमने अभी आभार यात्रा एक्ट निकाला है। और आज देखा जाए मुजफ्फरपुर में बहुत जगह जगह पे जैसे तरह का स्टॉप हो गया है, छोटी कलनी जगह हो गए, बड़ी कलनी जगह, विभिन्न विभिन्न जगहों पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं कैब का, जो सीसी एक्ट का जो बहिष्कार कर रहे हैं, वो लोग सभी जो भी समुदाय के लोग हैं वो सभी लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, हल्ला हंगामे करवा रहे हैं, दुकान बंद करवा रहे हैं, ऐसे क्षतिपूर्वक करके ऐसे क्या फायदा मिल रहा है। बहुत तरह के लोग हमला कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं सभी लोगों को, बहुत तरह के सामान वगैरह विभिन्न प्रकार के सामान भी चलाया गया है इसी के सफलता के लिए। और हम लोग ने अपने सीए और कैब के समर्थन में हम लोग ने अभी हमारी यात्रा निकाला है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी को और धन्यवाद देते हैं अमित शाह जी को। कुडानी थाना क्षेत्र के कमतौल ग्रामीण विकास बैंक में दिन दहाड़े अपराधियों ने 13 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। कुडानी थाना क्षेत्र के कमतौल स्थित ग्रामीण विकास बैंक से दिन दहाड़े आधा दर्जन अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए। 3 मोटरसाइकिल से पहुंचे अपराधियों ने मात्र 20 मिनट के अंदर इस बैंक लूटकांड को अंजाम दिया। बैंक में घुसे सभी अपराधी लगभग 20-25 वर्ष के थे और सभी के हाथों में हथियार था। बैंक में कार्यरत महिला बैंक कर्मी ने बताया कि बैंक में घुसने के साथ सभी ने हथियार के बल पर बंधक बना लिया और 13 लाख सहित बैंक में मौजूद कर्मचारी और ग्राहकों के मोबाइल लूट लिए। जाते समय सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी लेते चले गए। सब कुछ एक साइड में वहाँ पर कर दिया, सुला दिया। फायरिंग उलिंग भी किया था? नहीं फायरिंग नहीं, बोल रहा था एक बार बम मारेंगे ना तो सब आदमी उड़ जाएगा जी, ये बोला है जी। उतना बात, चेहरा सबका ढका हुआ था क्या? सबका ढका था, एक का खुला था, एक हेमलेट पहने हुए। आपके साथ भी मारपीट किया जी? हमको मारा नहीं, लेकिन हमको मतलब मोबाइल का पिस्टल लेने था ना, उससे डर लग रहा। कितना आदमी से था? 7-8 आदमी था। सबके पास हथियार था ना? हाँ, सबके एक पास नहीं था, यहाँ जो था उसके पास नहीं था, लाल स्वेटर वाला के बाकी सबके पास। क्या उम्र था सब? सब वही 25-30 के आसपास। कौन सा भाषा प्रयोग कर रहा था? कौन सी हथियार था? वही की जाए कि सुधेन्द्री बोल रहा था? नहीं बोल रहा था, जैसा अब यहाँ एक साइड में रहो, यहाँ पर रहो। क्या क्या बोला था? कोई हिलना मत, कोई इधर उधर मत करना, कोई मोबाइल मतलब यूज करने के लिए मिल रहा था सबका मोबाइल। और मोबाइल कितना आदमी का मोबाइल ले गया? मेरा मोबाइल ले गया, उन लोग का उधर मोबाइल फेंक दिया खिड़की के पास में। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शहर में खुल गया है किंडर मोशन डांस एंड एक्टिविटीज क्लासेज, जिसमें इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर द्वारा प्रशिक्षित डांस टीचर बच्चों को डिफरेंस फॉर्म में डांस सिखाते हैं, जैसे बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी पॉप डांस सिखाते हैं। साथ में एक्टिविटीज के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, विभिन्न तरह की पेंटिंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं। एकेडमी में एज ग्रुप बॉयज के लिए 2 साल से 12 साल एवं गर्ल्स के लिए 2 साल से 18 साल तक है। हमारा पता है नियर होटल शिवम इन मुखर्जी लैन मोती झील मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9931695198। रियल वर्ल्ड छोड़कर मोबाइल, टीवी, आईपैड की दुनिया में चले गए हैं। इंटरमोशन इज एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो कि बच्चों पर फोकस किया जाता है। इसमें दो तरह की चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, एक है फिजिकल फिटनेस और दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल फिटनेस हम डांस के जरिए पूरा करते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट हमारा एक्टिविटीज पार्ट है। और डांस करने से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होती है, और आजकल के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा तेज तरार बने, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर हम एक तरह से लर्निंग विद फन भी कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैया गंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। ज्वाइन किया स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स
सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। छुड़ा के दामन मेरा कहाँ तू चली गई, तू ना मिली मुझे याद तेरी रह गई। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अब आगे की खबर की ओर। समन्वय सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक ने जिले के पदाधिकारियों के साथ जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक की। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर गठित जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक बृहस्पतिवार को समन्वय सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री सह उद्योग मंत्री श्याम रजक द्वारा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य की बढ़ती आबादी, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण असंतुलन बढ़ गया है, इसे निपटाना गंभीर चुनौती होते जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर जल संकट, सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन सभी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान को मिशन मोड में प्रारंभ किया गया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे सरकार की ये हिडन एजेंडा है कि हम पूरे बिहार को जलवायु संरक्षित करें। जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण प्रदूषण का संकट हो रहा है, उससे मुक्ति दिलाए और इसके लिए वो कोई कसर नहीं कर रहे हैं और उसी के लिए परामर्शदात्री समिति हर जिले में बनाई गई है जिसकी बैठक हुई है। आहार पैन पर जो कब्जा है उससे मुक्ति के लिए तो काफी अच्छे यहाँ पर योजना बनी है, राशि भी हुआ है, काम भी कुछ हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम होगा। इन चीजों का निर्देश देने का काम किया गया, इसके लिए कई विभाग को, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, सोलर एनर्जी के लिए इन सबको जिम्मेवारी दी गई। दियो पर अनुशंसा की गई थी, शिक्षा में लापरवाही को लेकर जो भी, अरे आज है जल जीवन हरियाली का, आज कहाँ उन सवाल को पूछना, उस पर अनुशंसा किया गया था। हाँ तो जो है वो अगला बैठक होगा तो उसमें आप पूछिएगा। आज हम सिर्फ जल जीवन हरियाली पर कुछ भी पूछना हम जवाब देने के लिए। इसमें आज ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो विशेष कर फोकस किया जा रहा है जल जीवन हरियाली को लेकर? फोकस ये है कि सारी जगह पौधा लगाए, 3,50,000 पौधा लगाने की बात, उसकी तैयारी करने की बात एक साल के अंदर वो हमारे वन विभाग के पदाधिकारी ने कहा। फिर सभी स्कूलों में सुक्ता बन रहा है, रेन हार्वेस्टर बन रहा है स्कूलों में, ये सरकारी बिल्डिंगों में भी 100 जगह बने हैं और जगह बनने हैं, उसे पूरे आंकड़े दिए गए हैं और वो आप देखेंगे कि सोखता रेन हार्वेस्टर जो बन रहा है, तालाब की उड़ाही, जो तालाब कब्जे हैं उससे कब्जे से मुक्ति कर देखिए, कि जो कोई निजी घर है वो बनाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है, इसके अवेयरनेस के लिए आम लोगों को जोड़ा जा रहा है, आम स्कूलों में बच्चे बच्चियों को कई तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से उनको रन फॉर जलवायु के लेकर के कई कार्यक्रम तय। कच्ची पक्की स्थित प्रमंडलीय वन कार्यालय में परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने जिले में जंगली जानवर के आतंक के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को कच्ची पक्की स्थित वन प्रमंडल कार्यालय के समीप अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि नीलगाय और जंगली सुअर के कारण हुए लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, उनकी रोजी रोटी पर आफत आ रही है। सभी का कहना था कि इन जंगली पशुओं से वन विभाग उनकी रक्षा करे। पूरे मुजफ्फरपुर जिले के किसान जंगली पशु नीलगाय, घोरपड़ास और सुअर के आतंक से अपना खेती छोड़ चुके हैं। जीवन जीविका की तलाश में लोग आए दिन जो है अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं।
और बिहार की गुंगी बाहरी सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों बिहार विधानसभा में खामोश बैठा है। जब अपने वेतन भत्ते को बढ़ाने की बात होती है तो ये निकम्मा पक्ष और विपक्ष दोनों दोनों हाथ से तालियां बजाता है। हम आज इस धरना के माध्यम से वन विभाग को और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को, राज्य सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर हमारे किसानों का फसल नहीं बचेगा, इन जंगली सुअर और नीलगाय से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आगामी 24 तारीख को सरैया की धरती पर मुख्यमंत्री का आगमन है। हजारों किसानों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में घेराव करेंगे और अपनी मांगों के साथ पूरी मजबूती से आवाज उठाएंगे। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एवं रसन कुमार के 92वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। बृहस्पतिवार को कंपनीबाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में अमर सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खां एवं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह के 92वें बलिदान दिवस पर शहीदों को तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि 19 दिसंबर 1927 को तीनों क्रांति वीरों को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी, जिसे इन अमर शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राण भारत माता के लिए निछावर कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद अशफाक उल्लाह खां का आज बलिदान दिवस है। आज ही के दिन इन महान सपूतों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। काकोरी एक स्टेशन है यूपी में, जहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन कुमार सहित अनेकों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन के हर चुनौती को स्वीकार करते हुए काकोरी कांड को अंजाम दिया और फिरंगी सरकार ने देश के महान क्रांति वीरों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। क्या मैं भारत सरकार से और भारत की जनता से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी दिन के लिए इन शहीदों ने अपना बलिदान दिया था? आज जो देश की हालत है, नारी सम्मान और नारी की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात क्या होगी। नारी सम्मान और नारी की रक्षा ये इन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आज शहीद बलिदान दिवस पर हम यह संकल्प लें कि इनके शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे और नारी सम्मान और नारी की सुरक्षा के लिए हम जीवन के आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। एमबीडीएम कॉलेज में नए प्राचार्य का प्रभार डॉक्टर कनुप्रिया ने संभाला। कॉलेज के कर्मचारियों ने स्वागत किया। गुरुवार को एमबीडीएम कॉलेज का प्रभार डॉक्टर कनुप्रिया ने निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी से ग्रहण किया। डॉक्टर कनुप्रिया का स्वागत शिक्षकों और कॉलेज के कर्मचारियों ने बुके और माला देकर स्वागत किया। डॉक्टर कनुप्रिया ने कहा कि एमबीडीएम कॉलेज की एक खास गरिमा है जिसे वह आगे बढ़ाने का काम करेगी। उनका सौभाग्य है कि उन्हें एमबीडीएम कॉलेज की प्राचार्या बनाया गया है। कॉलेज की जो पहले से गरिमा बनी हुई है उसको आगे भी वो गरिमा बनी रहे और उसमें मेरी ओर से जो भी कोशिश होगी उसको आगे बढ़ाने की वो मैं जरूर करूंगी। छात्राओं का कॉलेज है तो छात्राओं पे ध्यान दूंगी कि उनको कोई तरह की दिक्कत ना हो। आजकल दो चीज जरूरी है, एक समय पे क्लास हो और उनको सुरक्षित भी वो महसूस करें, क्योंकि अभी उसके लिए प्रॉपर गेट पर जिम्मेदारी दी गई है कि कोई बाहरी तत्व तो ना आए भीतर में, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और टीचर्स से भी मैंने अभी अनुरोध किया है कि वो समय पे आए, समय पे क्लास लें। अगर छात्राएं नहीं आती हैं या उनकी संख्या कम हो रही है तो उनको आग्रह करें कि वो समय पे आए और क्लास करें, इससे उनका ही विकास होगा। ये दो चीज पर मैं जरूर ध्यान दूं। आगे तीसरा है नैक, जो अभी जिम्मेदारी है नैक कराने की, उसमें भी जो बेहतर से बेहतर काम करने की जरूरत होगी वो करूंगी, ताकि नैक में अच्छा ग्रेड मिले इस कॉलेज को। किस चीज पर विशेष बल रहेगा?
ये तीनों चीज जरूरी है। दो, शिक्षा, क्लास हो, उनका रेगुलर क्लास हो, टीचर आए क्लास लें, छात्राएं आए रेगुलर आए, जो पहले से कॉलेज का ये चला एमबीडीएम कॉलेज का एक नाम है हम लोग के, एक इमेज है छात्राओं में, उनके गार्जियन में, यहाँ छात्राएं सुरक्षित रहती हैं और क्लास होता है यहाँ, तो ये चीज बना रहे इस पे है। और दूसरा बहुत जरूरी काम है नैक कराने का, ताकि इस कॉलेज को बढ़िया फंड मिले, अच्छा ग्रेड मिले, और छात्राओं की जो अभिभावक है वो अपने छात्राओं का नामांकन यहाँ पर पहले पहल की यही है कि कोशिश हो कि एमबीडीएम में उनका नाम हो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।